दोपहर के टाइम पर उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए थे। उनतीस मई को रात में उस्मानिया हॉस्पिटल ले गए थे क्योंकि उनको सर्दी जुकाम था जो कि बहुत ही मामूली था। उस्मानिया में उनको रखे और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद उनका एक्सरे भी निकाला गया। सुबह 5 बजे तक एक्सरे के लिए इधर से उधर घूमते रहे लेकिन वहां पर भी डॉक्टरों ने ठीक से नहीं देखा और सुबह 7 बजे ये बोल दिया गया कि अभी आपको गांधी हॉस्पिटल जाना है। फिर उनको हम घर लेकर आ गए और घर लेकर आने के बाद थोड़ी देर आराम करें और दवाई दी लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण फिर शाम को 4 बजे गांधी हॉस्पिटल को लेकर गए। वहां पर गांधी हॉस्पिटल में लेकर जाने पर रास्ते में ही किंग कोटी के पास रोक लिया गया और किंग कोटी के पास जितने भी पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में लेकर गए लेकिन गांधी हॉस्पिटल के पहले ही रोक लिया गया और वहां पर बोला गया कि इन्हें नॉर्मल पेशेंट है किंग कोटी के हॉस्पिटल में लेकर जाए। तो किंग कोटी के हॉस्पिटल में वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया और ऑक्सीजन लगा दी गई और थोड़ी देर बाद ये कहा गया कि अब इन्हें हम गांधी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और थोड़ी देर के बाद 6:25 को गांधी हॉस्पिटल के लिए एक एम्बुलेंस आई और उसमें सवार होकर उनको लेकर गया। और सुबह अगली सुबह 30 मई को जब हमने 7 बजे कॉल किया तो उन्होंने फोन उठाया और 8:15 बजे भी हमने वापस कॉल किया तो भी उन्होंने फोन उठाया लेकिन उसके बाद 9 बजे के बाद से कोई कॉल नहीं लगा ना ही उनका कुछ भी पता चला और आज तक भी लापता है। और आज ये बोलना है तो आज हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे नरेंद्र सिंह उर्फ डप्पू जहाँ पर भी है उन्हें ढूंढ निकाला जाए और गांधी अस्पताल के डॉक्टरों से ये निवेदन है कि उनका ट्रीटमेंट चालू रखे और सही सलामत हमारे घर वापस ही जाए। मेरा नाम मुकेश सिंह है, उप चुन्नू है। मेरा भाई नरेंद्र सिंह उप डब्बू है। ये 30 तारीख के दिन 3 कोटी दवाखाना और मम्मी क्या करे 30 तारीख दिन कल उस्मानिया ले गए नहीं ये 30 तारीख के दिन 3 कोटी ले गए वहाँ क्या करे 4 बजे के टाइम ऑक्सीजन वो ये लगा दिए कर दिए। लगाने के बाद 2 घंटे रख के उनको एम्बुलेंस में डाल के क्या करे बोले तो जाओ अम्मा तो हम देख लेते तुम्हारे बच्चे को ला के छोड़ते बोल के एम्बुलेंस वाला क्या करा डाल के गांधी हॉस्पिटल लेके चलेगा। उस क्या बोले तो फिर हम शाम में क्या करे फोन करे हाँ डब्बू क्या हुआ बोले तो नहीं चुनो भाई मेरे को देख रहे भी नहीं मैं तड़प रहा हूँ बेड पे पड़ के मतलब तो मैं बोला भाई तेरे कुछ भी नहीं होता टेंशन ना करो देखेंगे बोलते फिर क्या करे हमारे घर वाले फोन कर तो वही बात बोला उन्हें फिर मैं क्या करा उसको सुबह 7:30 बजे फोन मारा क्या हम आते वो तो नहीं भाई अभी भी तड़प रहा हूँ मेरे को कोई देख रहे नहीं बोल के बोल रहा उन्हें गांधी हॉस्पिटल में बोला उन्हें मेरे को फिर उसके बाद वहाँ से स्विच ऑफ फोन बता रहा उसके पास फोन नहीं लग रहा आज को 15 दिन होने आ रहे हाँ बातचीत करा मैं भाई से घर वाले सब करे जिसके ने फोन था उन्होंने बात करे हमारा भाई से हमारे श्याम भाई 2 तारीख के दिन बात कर रहे हो इनके ऊपर कंप्लेंट दी इनको हाँ कंप्लेंट करे ये FIR का भी है। गांधी गए पूरा गए ढूंढे आज भी सीसी कैमरे में गए वहाँ सीसी कैमरा फुटेज केबल का कट करे हमारे शिवानंदन सर SI साहब बहुत अच्छा काम करे उन्होंने भी सब देखे कर सब ढूंढ रहे पूरा कर रहे हमारे पता नहीं चल रहा अंदर से कहाँ लापता हो गए हमारे भाई होगा तो ये कोर्ट को जाएंगे हम ये भाई कोर्ट को जाएंगे ये पूरा कोर्ट को जाएंगे हम लोग हमारा भाई का अंदर से लापता होगा आज को 15 दिन हमारा भाई का पता ही नहीं चल रहा अंदर ना एंट्री है ना नाम है ना कुछ भी हमारे भाई का अगर हमारा भाई किधर तो भी गया कहाँ लापता करिए हमारे भाई को बहुत परेशान है हमारे डैडी को हार्ट पेशेंट है हमारे मम्मी रो रो के बेहाल हो जा रही हमारे डैडी पूछ रहे मेरा बेटा कहाँ मेरा बेटा मरे जब बात आका मेरा बेटा पूछ रहे डैडी हम बोल रहे हमारा भाई घूमने का आप क्या बोलेंगे हमारे डैडी को जिसका जो हुआ जो मिस्र है उन्होंने कहाँ के रहने वाले ये जिंची चोरा ऊपर दुलपेट नीचे दुलपेट
साहब।